तो भाई राम राम सारे भाइयों ने, और गणा गए मेरे ख्याल में 90% करा हुआ है। बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा है, बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा है, तो आज बात कराए बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा है। जो भाई मन नहीं, मेरा खर्चा हुआ है, मैं महीने के हिसाब से बताऊंगा, फिर आप कैलकुलेट कर लियो प्रिपेयरिंग के टाइम पर कितना खर्चा हो जब कंपटीशन आ जाए, नॉर्मल खर्चा, फिर अगली कोई वीडियो बनावांगे। आज तो जो गेम का टाइम हुआ है उसमें मंथली खर्चा करेंगे कैलकुलेट, आप करियो। और जिन्हें झूठ लग गए उन्हें लागे जाके मन को मतलब ना, मैं सच्ची बताऊंगा है कि नहीं बताई जल जी दे रहा हूँ झूठा गए जिन्ना पे रहा मेरा पट जाएगा। और झूठ का मारा कोई काम नहीं भाई, मन ने झूठ बोलगा कोई संपत्ति नहीं चाहिए किसी तरह, पर सब गए है मन देखा है नहीं बालक बुझ जाए कितना खर्चा हो जाए, बुझ जाए ना जिसने पता नहीं भाई, बुझ के देख ले। सुना बॉडी बिल्डिंग महंगा गेम है, तो चलो बात पावा सीधी डाइट से शुरू करेंगे भाई। मेरी है 3 चिकन डाइट प्रिपेयरिंग टाइम पे 250 ग्राम की, और हेल्थ फर्स्ट पे तो बनका हुआ है भद्रगढ़ है, उसका भी ऐड हो गया। एक डाइट का चार्ज ले रहा हूँ मेरे पे 200 रूपये, 600 हो गया भाई, 600 रूपये हो गया महीने के, 18,000 कैलकुलेटर खोल ले मैंने, 18,000 हो गए भाई चिकन के। अंडे खाऊ मैं दिन के 22-24 भाई, एक अंडा पड़े मेरे 12 रुपये का, क्योंकि 340 प्लस की मेरा क्रेट पड़ा है मैक्स प्रोटीन की, जो आवे है यार मैक्स प्रोटीन नाम था अंडे अंडे ट्रे, हाँ तो वे 12 रुपये का एक पड़ा है, कर कैलकुलेट एक बार 12 × 22 पूरा समीकरण। तो अंडे आ कितना है मैनी, 8,000 आया, 7,900, 8,000 ये हो गए भाई, 18,000 26,000 हो गए अंडे के और मुर्गे के। तो भाई जब मैं आखिरी के महीने ना छोड़ गए, 4 महीने थी मैनी रोज का 250 ग्राम पीनट बटर खाया करूँ, तो रोज का 100 रुपये का होगा, 400 रुपये का हुआ है पिंटुल्ला का, 3,000 का पीनट बटर 29, मोटा मोटी 15,000 रुपये खर्चा मेरा। नीचे जो स्टोर है ना किरियाना स्टोर है जिम के नीचे, 15,000 जोड़ लिया उसके, उमें शहद आ जाए पीनट बटर सब्जी फ्रूट सारी चीज आगे 45 कर ले घटा दे 5,000, फिर आ जाए सप्लीमेंट पे। सप्लीमेंट महीने के 2 प्रोटीन आइसोलेट की, एक प्रोटीन की कीमत है भाई कम से कम अच्छा लेवांगे तो 6,500 से 7,000, 6,500 के हिसाब से 13,000 हो गए, 13,000 का प्रोटीन 53,000 हो गए टोटल। तो और भाई 2 प्री वर्कआउट लग जाए, 30 चम्मच आवे हैं दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी, 2 प्री वर्कआउट 2,500 का एक पड़ा नाइट्रोफ्लेक्स, तो 5,000 का प्री वर्कआउट हो गया, 58,000 टोटल भाई। एक ग्लूटामाइन 1,500 भाई, 1,000 का 1,500 की लीवर की मल्टीविटामिन फिश ऑयल, 5,000 ये कर दे मोटा मोटी 64,500 ये हो गए सप्लीमेंट में क्या रह गया। हाँ आर्जिनाइन 2,000 की वाकर ठीक है, और भी रह गया कुछ सप्लीमेंट। समीकरण लगा कर बैठे नहीं, मोटा मोटी बताने लग रहा हूँ अपने भैया थे जो याद आता जावे है। फिर भाई पे कितने हो गए मैनी, 67 हो गए सप्लीमेंट के डाइट के, तेल पानी का तो रहने दो जिम फीस वगैरह ये। हाँ भाई शहर गांव तो शहर में जाना पड़ा है, 4 चक्कर ये हो जाए, पर वे जोड़ते को ना मैंने तो भाई ये हो गए कती सप्लीमेंट और डाइट। अरे मेरा अभी गया वाके मैंने कहा आज वो मोटा मोटी याद था वो बता दिया, ये आ जाऊं मैं जो चीज बतानी है नहीं, नाम तो मैं लूंगा नहीं, पर 2 चीज आवे है जो हफ्ते में मेरा पड़े थी 10-10,000 की, और कोई स्टेरॉइड नहीं हूं मैं पर उनका नाम नहीं ले सकता मैं, तो 80,000 की भी है भाई। यार जो बॉडी बिल्डिंग करनी है पुराने हो लिए वे तो समझ गए, अरे भाई नया तो समझानी क्यों है, अरे लोग जच्चे की नहीं, 80,000 रुपये भी है जो बताऊंगा नहीं।
मोटा मोटी 1.5 लाख हो गए भाई। मोटा मोटी 1.5 हो गए। अरे भाई एक चीज का चक्रा ही नहीं आया, जो नाम लेना ही नहीं हमने, तो यो खर्चा हो गया बॉडी बिल्डिंग का कितना हो गया भाई? 1.5 हो गया भाई। 1.5 तो ऊपर हो लिया उस्ताद, 1.5 तो ऊपर हो गया। वो एक चीज तो रहेगी, 20,000 की दे भी पड़ा है। 1.70 के अलावा गई बात है ना। हाँ तो भाई यो है बॉडी बिल्डिंग का मोटा मोटी खर्चा एक महीने का। अरे न गुणा कर लो एक प्रोफेशनल बालक के 5 थे, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो एथलीट है बॉडी बिल्डर मिनिमम उसने 4 से 5 महीने चाहिए तैयारी करने के, है ना भाई? तो इसमें कोई झूठ नहीं है यार भाई। यो एक महीना खर्चा था ना, यो सिर्फ एक महीना खर्चा भाई। कदे कोई मान जो पूरी तैयारी में 1.5-2 लाख लग गए मंथली खर्चा है। 6 महीने का बाल लियो ना। और ये तो होगा सिर्फ खर्चा, ये बात कर लिया। थोड़ी बॉडी बिल्डिंग मुश्किल है, आसान है, खर्चा ही सुनकर मुश्किल हो ली होगी मन बेरा है। 95-98% तो मान के अरे भाई जी ने झूठ लग गया ना, तो मैं टीम बैठे हैं खाड़ेगी मैं 2-4 हजार ऊपर नीचे पाऊंगा, झूठ कति नहीं है। एग्जैक्ट ना है भाई, पर लगभग लगभग पहले का हिसाब करे नहीं है, पर लगभग यो खर्चा है 1.5 तो कति है भाई। यो खर्चे के हिसाब से तो मुश्किल कितना हो लिया आपने देख लिया भाई। अरे यो खर्चा करना पड़ा भाई, और मेरे ख्याल में इतना रुपया करके नहीं देते किसी भी बालक से, यो पर एडजस्टमेंट करनी पड़ा बच्चे ने, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आ जाओ भाई दूसरे तरीके से, 5 महीने तक लगातार मीठा टच नहीं करना भाई, दो बार और भाई बॉडी बिल्डिंग कोई मैं तो गेम की तरह मानता भी ना, क्योंकि गेम में तो खाली प्रैक्टिस करनी होया करे, अच्छा खाना खाना होया करे, इसमें तो तपस्या है, खाना है ही ना, जो आपका मन करो तो खाना ही नहीं, और बिना भूख के खाना, और मन कर रहेगा आइसक्रीम नहीं खा सकते हम 5-5 महीने तक, तो सोच के देखो भाई बहुत मुश्किल है। हम तो हमेशा यही कहूँ भाई, एक गेम ना जब तक आप अंदर तक ना जानो उसके बारे में कमेंट ना करो। और ये सस्ते जो सस्ते बॉडी बिल्डर तैयार करने की कम है ना, ये वीडियो ने ध्यान से सुन लियो, ये वीडियो देखी मैंने, दोनों टाइम मेहनत करनी भाई, दोनों टाइम मेहनत करनी, रेस्ट तुम कुछ होकर जाओ और यो भी करो। अरे बहुत कुछ यार, वो एक वीडियो देखी थी मैंने, ये वीडियो नहीं हुआ बनाई है मैंने, एक तो बोला बोला बिना खर्चे की बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, कत्ती नहीं होगी भाई, कत्ती खर्चा इतना है, बहुत घना खर्चा है, जितना गणवा दिया भाई। बहुत है यो, बहुत घना है, बढ़िया बढ़िया रुपया नहीं हो यो खर्चा भाई, यो तो जो इस चीज की पागलपन हो जाए दीवानापन हो जाए ना जब यो खर्चा कर सके आदमी। अरे एक वीडियो देखी थी मैंने, वे 8 रुपये का बनाऊ थे कोई सौदा मेरी की 100 रुपये थे, अगर 8 रुपये में से लगड़े होंगी कती नहीं लगड़ती भाई, 8 लाख में भी ना लगड़ती है तो मर जाएंगे कती मर जाओगे भाई, झूठी बात है, लोग भी उबड़ान थी कुछ भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा बहुत ज्यादा खर्चा है बॉडी बिल्डिंग में। और फिट रहने के लिए अगर आप सप्लीमेंट लोगे ना, जब भी आपका खर्चा 20,000 रुपये महीने का, अच्छी डाइट और नॉर्मल सप्लीमेंट यूज करोगे तो 20,000 रुपये मान लो आपके लग गए, तो इज्जत करो भाई हर गेम की करो। अगर अरे इज्जत ना करो तो एक बार उस चीज ने जान लो, जब तक उसको जानोगे नहीं पहचानोगे नहीं तो आप इज्जत कैसे करोगे भाई, किस तरह रिस्पेक्ट दोगे उस चीज को। एक बॉडी बिल्डर को जो पास से जानते है ना, ये मैंने ये तो रह रहे हैं भाई बॉडी बिल्डर में रहो भाई, ये भी मेरे तो सारे जो मेरे नजदीक के हैं इन्हें तो पूछ लो, चाहे मेरी जिम्मा जो मैंने देखे हैं, ये XYZ बॉडी बिल्डर खेल रहे हैं छोटे बड्डे गिल्ला, उनका लास्ट वीक भी देख लेगा ना जो बॉडी बिल्डर का, वो उनको इज्जत देगा, देनी पड़ेगी। और सब नहीं करते भाई ये खर्चा, एक और बता दो भाई कि यार कोई बॉडी बिल्डिंग वाला भाई ये खर्चा कर लेता होगा, पर जो नेशनल लेवल पे एथलीट जा रहा है तो उसको जो खर्चा करना पड़ेगा अगर थोड़ी सी ठीक लेवल पे खड़ा है तो इज्जत करो भाई। खर्चा मैंने बता दिया, खोल के बता दिया मैंने, अंडा हार के दिए केक शेप का ही बता दिया है। अरे भाई गलत कमेंट मत करया करो, पहले एक गेम के लेवल पर जाओ, उसने अंदर तक पूछो पता करो, इज्जत दो, उसके बाद आप कमेंट करया करो भाई, इज्जत दो। गेम ना रेखना, अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता तो कहीं से पता कर लो, आपको पता लग जाएगा। और कंपटीशन जाना आ जाता है ना, तो
देसी भाषा में तो टूका खेलना भाई बहुत कम्पिटिशन से मेहनत करनी पड़े है और गेम तो गेम है भाई और बॉडी बिल्डिंग तो गेम तो भी थोड़ा ऊपर है तपस्या है तो गेम गेम मेहनत तो है अगर इसमें तो भाई पानी पानी ना पीते हम तीन तीन दिन तो बहुत ज्यादा तब मानो मैं तो इसने आज जो इसमें निकल गए एक दो महीना एक दो प्रिपेरेशन इसने कर ली उसकी आत्मा भी साफ हो जा शरीर भी साफ हो जा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग सारे भाई सब्सक्राइब कर लो लाइक करो शेयर करो।